नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रही हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हमीरपुर समेत 6 जिलों में स्थापित होगी फॉरेंसिक यूनिट, मुख्यमंत्री सुक्खू ने की बैठक। अपराधों पर शिकंजा कसने के लिए हिमाचल सरकार 4 फॉरेंसिक वाहन खरीदेगी। ये वाहन अत्याधुनिक उपकरणों से लैस होगी। हमीरपुर, ऊना, सिरमौर, कुल्लू, किन्नौर व लाहौल स्पीति में फॉरेंसिक यूनिट स्थापित की जाएगी। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश फॉरेंसिक साइंस डेवलपमेंट बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर बोले, एनडीटी शिक्षकों के 6200 पद जल्द भरेंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने शिक्षकों के 7000 पदों को स्वीकृत किया और इन्हें भरने की प्रक्रिया जारी है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 2800 पदों को बैचवाइज भरा जा रहा है। इसमें से 1700 अध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिए गए हैं, जबकि बाकी 1100 जेबीटी पदों की भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है। 2800 नए पदों को भरने की प्रक्रिया राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से शुरू की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 700 प्रवक्ताओं की नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वर्तमान कांग्रेस सरकार ने 95 कॉलेज प्रिंसिपल और 483 सहायक प्रोफेसर नियुक्त किए हैं। इसके अतिरिक्त 6200 एनडीटी अध्यापकों की भर्ती की प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू की जाएगी। एचआरटीसी बसों में कैशलेस सेवा को बढ़ावा देने वाले ये 12 परिचालक सम्मानित। एचआरटीसी बसों में कैशलेस भुगतान सेवा को बढ़ावा देने के लिए निगम प्रबंधन ने प्रदेश भर के 12 परिचालकों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। उन्होंने सम्मानित हुए परिचालकों सहित प्रदेश के निगम के सभी परिचालकों से उम्मीद जताई कि वे भी कैशलेस सेवा को बढ़ाने में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। ये पुरस्कार निगम प्रबंधन ने प्रथम तिमाही यानी कि जुलाई से अप्रैल के बीच किए गए बेहतरीन कार्यों के लिए दिए गए। एमडी रोहन चंद ठाकुर ने कहा कि कैशलेस सेवाओं में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए निगम प्रबंधन ने 5000, 3000 और 2000 रुपए के इनाम के साथ फैन, मिक्सर और कुकर भी इनाम दिए हैं। सरदार पटेल विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह 12 सितंबर को, राज्यपाल प्रदान करेंगे डिग्रियां। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी का पहला दीक्षांत समारोह 12 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। बुधवार को प्रेस वार्ता के दौरान सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के कुलपति प्रोफेसर ललित कुमार अवस्थी ने दी। प्रोफेसर अवस्थी ने कहा कि विश्वविद्यालय के लिए अपना पहला दीक्षांत समारोह आयोजित करने का एक ऐतिहासिक क्षण होगा। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और सरदार पटेल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति शिव प्रताप शुक्ल समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय के 2020 और 2021 के उत्तीर्ण छात्रों को कुल लगभग 311 डिग्रियां प्रदान की जाएगी। कोलकाता मामले पर विभिन्न संगठनों ने डलहौजी में निकाला कैंडल मार्च, दोषियों को मांगी फांसी की सजा। कोलकाता में प्रशिक्षु महिला चिकित्सक की दुष्कर्म के बाद हत्या के विरोध में विभिन्न सामाजिक संगठनों, स्थानीय लोगों एवं स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। यह कैंडल मार्च नागरिक अस्पताल से शुरू होकर कोर्ट रोड से होते हुए सुभाष चौक तक निकाला गया। इस दौरान रमणी वेलफेयर सोसाइटी, विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी, स्थानीय चिकित्सक व कर्मचारी, तिब्बती संगठन और स्थानीय निवासी मौजूद रहे। इस दौरान मौजूद सभी लोगों ने एकजुट होकर दोषियों को फांसी की सजा की मांग की और यह भी मांग की भविष्य में इस तरह की वारदात न हो सके, इसके लिए कड़ी से कड़ी व्यवस्था का प्रावधान किया जाए। विरोध के चलते बोर्ड को घटाना पड़ा डीएलएड और टेट आवेदन शुल्क। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने डीएलएड सीटी प्रवेश परीक्षा तथा सभी विषयों की टेट परीक्षाओं के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क में कटौती कर दी है। बोर्ड ने यह फैसला बढ़ाई हुई फीस के चलते हुए अभ्यर्थियों के विरोध के कारण लिया है। इन अभ्यर्थियों की ओर से लगातार विभिन्न माध्यम से सरकार से हस्तक्षेप की मांग की जा रही थी। अभ्यर्थियों की मांग पर बोर्ड ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए निर्धारित आवेदन शुल्क में संशोधन किया है। बोर्ड अध्यक्ष ने बोर्ड अधिनियम 1968 की धारा 19(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दोनों की परीक्षाओं के आवेदन शुल्क को पूर्ण निर्धारित करने के सहज आदेश प्रदान किए। राज्य चयन आयोग को मिला पत्र, 21 परीक्षाओं का परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया शुरू। राज्य चयन आयोग हमीरपुर को आखिरकार 21 भर्ती परीक्षाओं परिणाम घोषित करने की आधिकारिक चिट्ठी सरकार से मिल गई है। इस चिट्ठी के मिलते ही अब इन 21 भर्ती परीक्षाओं को प्रक्रिया आगे बढ़ाने का कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद है। हालांकि स्टाफ की कमी आयोग की ओर आड़े आ रही है। महज 16 कर्मचारियों को स्टाफ वर्तमान में राज्य चयन आयोग में कार्य कर रहा है और इन 16 कर्मचारियों में भी लिप के स्टाफ महज 10 से 12 है, जबकि अन्य चतुर्थ
श्रेणी कर्मचारी है। राज्य चयन आयोग के संचालित होने से अब भंग आयोग के दौर में शुरू हुए कोर्ट केस पर सुनवाई फिर शुरू हो गई है, जबकि विजिलेंस जांच भी लगातार जारी है। विजिलेंस से पत्राचार और कोर्ट के फैसलों पर कार्य करना जरूरी है और ऐसे में महज 7 से 8 कर्मचारी परीक्षाओं से जुड़े कार्य को कर पा रहे हैं। सरकारी खजाना लूटने नहीं दूंगा, साधन संपन्न लोगों को नहीं मिलेगी बिजली पानी पर सब्सिडी। सुखविंदर सिंह सुखू ने जोगिंद्र सहकारी बैंक के 100 वर्ष पूर्ण होने पर सोलन में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया और बैंक के नए लोगों का अनावरण किया। उन्होंने 7.50 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित बैंक के नए भवन को जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जोगिंद्रा बैंक का टर्नओवर 2000 करोड़ रुपए होने पर बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई दी और कहा कि किसी भी बैंक के कर्मचारी संस्था की रीढ़ होते हैं। उन्होंने जोगिंद्रा बैंक के कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि बैंक का डिपॉजिट 1400 करोड़ रुपए हो गया है, लेकिन बैंक की वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी में सुधार की आवश्यकता है। चुराह के विधायक हंसराज बोले, राजनीतिक रोटे सेकने वालों पर करेंगे मानहानि का केस। चुराह के विधायक हंसराज ने कहा कि उनकी छवि को धूमिल कर राजनीतिक रोटा सेकने वालों पर मानहानि का केस करेंगे। एक युवती का सहारा लेकर उनके चरित्र पर उंगली उठाने वालों को जवाब देंगे। न्यायपालिका पर विश्वास जताते हुए उन्होंने कहा कि दूसरों को बदनाम कर आगे बढ़ने वालों पर न्यायपालिका नकेल कसेगी। विधायक ने बताया कि जिस युवती की ओर से गलतफहमी में आकर पुलिस में शिकायत दी गई है, उसके बाद न्यायालय में युवती ने गलती से आरोप लगाने की बात स्वीकार की है। इतना ही नहीं, युवती के पिता भाजपा से संबंध रखते हैं, उनकी छवि को धूमिल करने वालों को जवाब देने के लिए आखिरकार उस युवती ने सोशल मीडिया पर सब साफ किया है। बावजूद कुछ छूट भैया नेताओं को यह हजम नहीं हो रहा है और जनता को भ्रमित करने के काम में लगे हुए हैं। जल्दी दस्तावेजों और सबूतों के आधार पर न्यायालय में उनके खिलाफ मानहानि का केस करने जा रहे हैं। कर्ज लेकर मित्रों को घी पिला रहे सीएम, अविलंब जारी करे कर्मचारियों को डीए एरियर। जयराम, पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों और पेंशनरों की मांगों का समर्थन करते हुए इनको जायज ठहराया है। उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को विश्वासघाती और धोखेबाज करा दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पूर्व कांग्रेस नेताओं ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो आउटसोर्स बंद कर पक्की नौकरी देंगे, लेकिन अब मुख्यमंत्री सार्वजनिक मंचों से ही कह रहे हैं कि हम इतने पद आउटसोर्स से भरने जा रहे हैं। हद तो तब हो गई है जब शिक्षकों के वेतन को लेकर कहा जा रहा है कि इनको देश में सबसे ज्यादा वेतन इस कार्य के लिए मिलता है। हैरानी की बात है कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले प्रदेश में जब ये वर्ग बेहतरीन सेवाएं दे रहा है तो उनको प्रोत्साहित करने के बजाय उनके ज्यादा वेतन को लेकर कटाक्ष किया जा रहा है। महत्वपुर में उद्योग में लगी आग, लाखों का नुकसान। ऊना जिले के औद्योगिक क्षेत्र महत्वपुर में बुधवार को एक उद्योग में आग लग गई। इससे उद्योग मालिक को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। घटना की सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड ऊना को दे दी। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने कड़े मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। एलकास्ट इंटरनेशनल उद्योग के मालिक नीरज अग्रवाल ने बताया कि उद्योग में केवल स्पार्क होने के चलते आग लगी है और आग से डाई मशीन, कंप्रेशर व बिजली के उपकरण को नुकसान हुआ है। इससे करीब 3 लाख रुपए का नुकसान का आकलन किया गया है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंच कार्रवाई शुरू कर दी है। जर्मनी से साइकिल पर धर्मशाला पहुंचे युवक। जर्मनी से साइकिल पर 13 देशों को पार करते हुए 14वें देश भारत में प्रवेश करते हुए चारों स्कूल पास आउट युवक मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला पहुंचे। नोवा, एलसी, इरियास व जुबेल जर्मनी के साइकिल पर सफर करते हुए भारत में पाकिस्तान के बाघा बॉर्डर के माध्यम से प्रवेश किया है। मार्च माह से शुरू की गई यात्रा के तहत अब तक 8000 किलोमीटर का सफर कर चुके हैं। अब युवकों ने दिल्ली पहुंचने का लक्ष्य रखा है, जहां पर वह अपनी 6 महीने की यात्रा को संपन्न कर वापस अपने वतन रवाना होंगे। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पहुंचकर जर्मनी के युवक ने प्रसिद्ध शक्तिपीठों, मंदिरों व पर्यटक स्थलों में भ्रमण करने का भी लक्ष्य रखा है। अंडोगा में चिट्टे के साथ कुल्लू के 2 युवक काबू, पुलिस ने ऐसे किया गिरफ्तार। ऊना होशियारपुर मुख्य मार्ग पर पुलिस ने कार में सवार 2 युवकों को 8.68 ग्राम चिट्टे सहित गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार गश्त के दौरान पुलिस ने गांव पंडोगा में कार को शक के आधार पर चेकिंग के लिए रोका तो उसमें 8.68 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। आरोपी की पहचान पवन कुमार निवासी जुयानी रोपा कुल्लू व रवि कुमार निवासी रायसन कुल्लू के रूप में हुई है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।